कमाल क्रिकेट के एक और एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। और कल जब जिम्बाब्वे के खिलाफ ओडीआई स्क्वाड आया तो हम आपसे लाइव रूबरू भी हुए थे, जहां पर वैसे तो मैंने आपके बड़े सारे सवालों के जवाब दिए, लेकिन उसके बाद ना कुछ और भी बहुत मेजर एंड इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आई जो कहीं ना कहीं हमने मिस कर दी। तो इस कमाल क्रिकेट के एपिसोड में मैं आपको वो सारी मेजर अपडेट, बड़ी बड़ी अपडेट्स, एशिया कप का स्क्वाड कब आएगा, एशिया कप के स्क्वाड की डेडलाइन क्या है, विराट कोहली ने रेस्ट लिया है, विराट कोहली ने बीसीसीआई से कहा क्या है, ये सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है सभी क्रिकेट फैंस के लिए। तो आप लोग क्या करें, वीडियो को दिल से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार आप लोगों तक पहुंचे। और चलिए शुरुआत करते हैं, सबसे पहली अपडेट की बात करते हैं। टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 ओडीआई श्रृंखला के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जिसमें शिखर धवन कप्तान के तौर पर, तो वहीं पर हमें ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, दीपक हुड्डा जैसे प्लेयर्स देखने को मिल रहे हैं। राहुल त्रिपाठी को का मेडन ओडीआई कॉलअप मिला है, दीपक चहर की वापसी हुई है, वॉशिंगटन सुंदर की वापसी हुई है और ऋतुराज गायकवाड़ की भी कहीं ना कहीं वापसी ही देखने को मिल रही है। खैर दोस्तों, ये तो हमने कल डिस्कस कर लिया था, लेकिन अब इससे जुड़े कुछ बहुत महत्वपूर्ण पहलू एंड स्पेशली एशिया कप को लेकर कुछ बहुत बड़ी अपडेट्स हैं जिनको हम एक एक करके बात करते हैं। और दूसरी अपडेट से केएल राहुल को लेकर भैया बड़ी अपडेट आई है। केएल राहुल ने खुद ही क्लैरिफिकेशन यहां पर जारी किया है, क्योंकि कल आपको पता है ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई कि दरअसल केएल राहुल की जो इंजरी है वो रीसर्फेस कर गई है और इस वजह से उन्हें जिम्बाब्वे दौरे के लिए नहीं पिक किया गया है। तो दरअसल बात कुछ ऐसी ही थी पर एग्जैक्टली ये नहीं थी, और केएल राहुल ने भी इसी चीज को क्लैरिफाई किया। उन्होंने बोला कि भाई मेरी जो इंजरी थी उसका मेरा सक्सेसफुल सर्जरी हो गया था और मैं वापसी भी करता, वेस्टइंडीज सीरीज से ही वापसी करने वाला था, लेकिन क्योंकि मैं कोविड पॉजिटिव हुआ तो उसकी वजह से जो चीजें हैं, जो सिचुएशंस हैं, वो थोड़ी सी पुश बैक हो चुकी हैं। एंड जैसा हमें बताया गया कि इंजरी उनकी रीसर्फेस हुई है उसकी वजह से जो डिले हुआ है, एक्चुअली वो केस नहीं है, बल्कि केएल राहुल ने क्लैरिफाई करते हुए ये कहा कि जो कोविड मुझे हुआ है उसकी वजह से चीजें थोड़ी सी पुश बैक हो चुकी हैं, क्योंकि मैं अभी भी बहुत अच्छे तरीके से रिकवर नहीं कर पाया हूं और मुझे थोड़ा सा और टाइम लगेगा। हालांकि जिम्बाब्वे सीरीज के लिए भी वो फिट नहीं है, ये मुझे थोड़ा सा ताज्जुब हो रहा है कि भाई कितना लंबा ये चल रहा है, पर ठीक है, अभी क्या ही कह सकते हैं। अगर केएल राहुल ने खुद ही क्लैरिफाई किया है तो फिर उस पर हम कुछ खास ज्यादा भी कमेंट नहीं कर सकते। खैर, इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट अपडेट निकलकर सामने आई है वो है यहां पर एशिया कप 2022 की डेडलाइन को लेकर। आप लोग कल मुझसे पूछ रहे थे कि भाई एशिया कप का स्क्वाड कब आएगा, एशिया कप को लेकर क्या अपडेट है, तो मैं आपको बता दूं, क्रिकबज ने रिपोर्ट किया है कि 8 अगस्त की डेडलाइन एशियन क्रिकेट काउंसिल ने सभी अपने मेंबर्स को दी है अपना स्क्वाड जारी करने के लिए। तो 8 अगस्त या फिर उसके पहले आप अपना स्क्वाड जारी कर दीजिए एशिया कप 2022 के लिए, यह डेडलाइन प्रोवाइड की गई है, जो कि बड़ी खबर निकलकर सामने आई। एंड इनफैक्ट दोस्तों बड़ी खबर यह भी आई कि भारतीय टीम अपना स्क्वाड 8 अगस्त को ही अनाउंस करते हुए नजर आ सकते हैं। तो यह बहुत बड़ा डेवलपमेंट है कि 8 अगस्त को हमें एशिया कप 2022 जैसे बड़े इवेंट के लिए भारतीय टीम अपना स्क्वाड अनाउंस करती हुई नजर आ सकती है, और अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली हमारी नजरें भी होंगी और हम कहीं ना कहीं आप लोगों तक लगातार लाइव कवरेज भी पहुंचाते रहेंगे। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अपडेट, चलिए और बड़ी खबर सुन लीजिए। यह भी रिपोर्ट किया गया है कि टीम इंडिया का जो एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड होगा वो 100% लगभग सेम ही होने वाला है, अनटिल एंड अनलेस कि कोई खिलाड़ी अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो जाए या किसी खिलाड़ी की फॉर्म एशिया कप में बहुत खराब हो तो टीम एक दो रिप्लेसमेंट के पीछे जाए, नहीं तो पूरा स्क्वाड आपको जो एशिया कप का देखने को मिलेगा वही T20 वर्ल्ड कप के लिए भी होगा, और मुझे लगता है पूरी तरीके से लाजमी भी तो है। आप ये तो नहीं चाहते ना कि एशिया कप में देखो टैक्टिकल चेंजेस हो सकते हैं पिच के अकॉर्डिंग, थोड़े बहुत, वही मैं कह रहा हूं, एक दो चीजें हो सकती हैं, लेकिन फिर स्क्वाड तो सेम ही रहता है ना, फिर प्लेइंग 11 टैक्टिकली बदलती है। तो वही कहने का मतलब है कि स्क्वाड आपको दोनों मेगा इवेंट के लिए भारतीय टीम का लगभग सेम ही देखने को मिलेगा। और उसके बाद बहुत बड़ी खबर दे देता हूं, आप लोग परेशान है, हालांकि मैं बार बार ये आपको समझा रहा हूं कि परेशान मत होइए, केएल राहुल, विराट कोहली सबकी एशिया कप में वापसी होगी, लेकिन दोनों ही जो है फैंस, जो उनके सपोर्टर्स हैं, वो काफी ज्यादा हैरान बेचैन है कि यार ये नहीं खेल रहे हैं, पता नहीं ये खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। खेलेंगे यार, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, और रिपोर्ट ने भी देखिए सुन लीजिए यही कहा है क्रिकबस की कि विराट कोहली, केएल राहुल एंड जसप्रीत बुमराह ये सभी खिलाड़ी रिटर्न करेंगे अपना, और एशिया कप से आपको देखने को मिलने वाले हैं, एशिया कप 2022 से अपनी वापसी करते हुए नजर आने वाले हैं। तो आपको हैरान परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और चलिए मैं आपको बता ही देता हूं विराट कोहली को लेकर मेजर अपडेट क्या आई है। विराट कोहली को लेकर बीसीसीआई सेलेक्टर्स ने ये चीज डिस्कस की कि विराट ने बेसिकली सेलेक्टर्स को इन्फॉर्म किया है कि भाई मैं
एशिया कप के पहले तक अनअवेलेबल, उन्होंने क्लियरली बोल दिया, जो कि बहुत एक्सपेक्टेड था, बहुत सही चीज़ है। और उन्होंने बोला कि मैं एशिया कप से अवेलेबल होऊंगा और एशिया कप से लगातार T20 वर्ल्ड कप 2022 तक आपके लिए अवेलेबल रहूंगा, क्योंकि बीच में काफ़ी सारी श्रृंखला आप ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेलोगे, एशिया कप बड़ा टूर्नामेंट, T20 वर्ल्ड कप बड़ा टूर्नामेंट, लगातार विराट कोहली ने बोला है कि मैं अवेलेबल आपके लिए रहने वाला हूँ। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बस अब एशिया कप का आराम से बैठकर इंतजार करिए, थोड़ी एक्साइटमेंट से इंतजार करिए, और हम तो मसाले वाले कंटेंट आपके लिए एशिया कप के लिए लाते ही रहेंगे। और इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अपडेट यहां पर आई है, आईपीएल के कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स को लेकर बड़ी एक्सक्लूसिव बातचीत की यहां पर टेलीग्राफ ने केकेआर के सीईओ वेंकी मैसूर से, और उन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये प्लानिंग चल रही है कि हम कुछ बड़े प्लेयर्स को 12 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर ले। अब भैया देखो आईपीएल है, पैसे की तो कमी है नहीं, तो वेंकी मैसूर ने बोला कि देखो हमारे पास है 3-4 फ्रेंचाइजेस, वो कहीं जाके अभी हमें जनवरी फरवरी में वहां खेलना है, मार्च अप्रैल में हम उस दे वहां आईपीएल खेलेंगे, हमें अक्टूबर नवंबर यहां पर जो है फिर इस टाइम में सीपीएल खेलना रहता है, ये चलता रहता है, फिर बाद में बिग बैश होता है। तो हमने जब हर जगह टीम इन्वेस्ट कर ही दी है, हम हर जगह हमारे लगभग 12 महीने के 10 महीने हम खेल ही रहे हैं, तो क्यों ना हम कुछ मेजर प्लेयर्स को 12 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे ले लें, दे दो भैया उनको पैसा जितना चाहिए और उसके बाद उनको खरीद लो, ताकि जब हमें खिलाना हो हम चुपचाप उनको जाकर खिला दें। अब डेफिनेटली ये इंटरनेशनल बॉडी तो बौखला जाएगी ये सुनकर, लेकिन वेंकी मैसूर ने ये बोला टेलीग्राफ से बातचीत करते हुए, और उन्होंने बोला कि ये हमारी फ्यूचर अप्रोच भी रहने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अपडेट यहां पर, दिनेश कार्तिक ने कुछ बड़े बयान दिए हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। दिनेश कार्तिक ने रोहित एंड राहुल, यानी कि रोहित शर्मा एंड राहुल द्रविड़ सर के बारे में कहा कि वो लोग बहुत ज्यादा क्रेडिट डिजर्व करते हैं, इतना ज्यादा कामनेस हमारे पूरे ड्रेसिंग रूम, हमारे पूरे टीम में बनाने के लिए, मैं इस सेटअप में बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहा हूं। तो दिनेश कार्तिक ने यहां पर रोहित शर्मा एंड राहुल द्रविड़ सर की जमकर तारीफ की है, एंड इनफैक्ट उन्होंने ये भी बोला कि देखिए जो मेरा अल्टीमेट एम है ना वो सिर्फ एक है, और वो है T20 वर्ल्ड कप 2022 में परफॉर्मेंस करना, ये सब बस उसी के साथ बह रहे हैं, अभी जो भी हो रहा है ये बस फ्लो है, जो रियल बाढ़ आनी चाहिए वो T20 वर्ल्ड कप में आनी चाहिए। तो दिनेश कार्तिक बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हैं और बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं इस साल के वर्ल्ड कप को लेकर, जो कि बहुत अच्छी बात है हम भारतीय फैंस के लिए। खैर दोस्तों इसके बाद हम बात करें स्टैट्स ऑफ द डे के बारे में, तो स्टैट्स जनाब ये हैं कि केएल राहुल ने अब 7 सीरीज मिस कर दी है इस साल भारतीय टीम के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये उनकी 7वीं सीरीज होगी अगेंस्ट जिम्बाब्वे जिसमें वो अनअवेलेबल रहेंगे। इसके पहले वो T20 इंटरनेशनल की 6 श्रृंखला मिस कर चुके हैं और अब ODI श्रृंखला भी, तो इन टोटल 7 श्रृंखलाएं वो मिस करने वाले हैं। एंड देन क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में अगर बात करें, तो मेरा सवाल यही रहेगा आप लोगों से कि केएल राहुल की तो वापसी हो रही है, एशिया कप में हो रही है, लेकिन फिर भी आप लोगों से मैं जानना चाहूंगा कि भाई जिस तरीके से ये पूरा इंजरी का बार बार प्रक्रिया चल रही है, फिर कोविड एंड ऑल दिस थिंग्स जो भी स्ट्रेच हो रहा है, आपको क्या लगता है आप किसको एज एन ओपनर रोहित शर्मा के जोड़ीदार के तौर पर देखना चाहते हो? क्या आपका अभी भी केएल राहुल पर ट्रस्ट है जैसा मेरा है, या फिर आपके विचार अलग हैं? डेफिनेटली अलग हो सकते हैं, सबके ओपिनियन अपने अलग होते हैं, तो आप अपने ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज हर एक दिन कमाल क्रिकेट के एपिसोड में उनको मिलती रहे।